बृहस्पतिवार को मुजफ्फरपुर मीनापुर में रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने हुंकार भरा। उपेंद्र कुशवाहा ने चुनावी सभा में जनता से एक बार जीत दिलवाने की मांग की। कुशवाहा ने कहा कि जनता ने एनडीए और महागठबंधन को 15-15 साल की सत्ता दी है, लेकिन बिहार आज भी पिछड़ा है, इसलिए बिहार की जनता हमारे लिए नहीं अपने लिए हमारे गठबंधन को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। उपेंद्र कुशवाहा गुरुवार को अपने रालोसपा उम्मीदवार प्रभु कुशवाहा के लिए मीनापुर गंज बाजार स्थित हाई स्कूल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करने आए थे। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मीनापुर की जनता से 3 नवंबर को छत के पंखा छाप पर वोट देकर भारी मतों से उनके उम्मीदवार प्रभु कुशवाहा को जिताने की अपील की। जी, आज ये उपेंद्र कुशवाहा जी का मीनापुर के इस अमर शहीद जुब्बा साहनी की धरती पर आज उनका चुनावी कार्यक्रम था। उसी के सिलसिले में आज यहाँ रामकृष्ण उच्च विद्यालय मीनापुर के मैदान में वो पधारे थे। कितना जन सहयोग मिल रहा है आपको? नहीं, मीनापुर में अपार जन सहयोग मिल रहा है, बिल्कुल आशा भरी निगाहों से लोग रालोसपा को देख रहा है कि आने वाले दिन में मीनापुर भ्रष्टाचार मुक्त हो, शिक्षा का सुधार हो, स्वास्थ्य का बेहतर सुविधा हो, अच्छी सड़क बने, इस निगाह से मीनापुर की जनता देख रही है। इसी मैदान पर नीतीश कुमार ने भी रैली की है और चिराग पासवान ने, आज आपके उपेंद्र कुशवाहा ने रैली की, क्या लग रहा है आपको, कुछ बदलाव होगा मतदान के लिए? बिल्कुल, मतदान के लिए बदलाव होगा। युवा वर्ग बिल्कुल ये फैसला कर चुका है कि इस बार बटन दबेगा छत के पंखा छाप पर ही, क्योंकि उनमें भविष्य